जैसे इंडिया के लिए भयानक न्यूज़ है, वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी भयानक न्यूज़ है, क्योंकि डेली वेज वर्कर्स उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है. 15 दिन घर में बैठना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो डे टू डे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, डेली वेजेस मिलती है और उससे उनका घर चलता है, वो तो एक है ही है. फिल्में डीले हो जाएगी, एंड फिल्में डीले इसलिए भी होंगी क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर, एक कैमरामैन और एक एक्टर, ये बहुत बड़ा यूनिट होता है और बहुत सारे एक्टर्स की साइमल्टेनियसली डेट्स मिलना ज़रूरी है. तो जब उथल पुथल हो गया है ये पूरा शेड्यूल, तो अब वापस डेट्स कब मिलेगी, इसलिए उनके कंप्लीशन में बहुत दिक्कतें आएंगी. जो फिल्म अप्रैल में कंप्लीट होने वाली थी वो पता नहीं मई में होगी या जाके अक्टूबर और नवंबर में होगी, बिकॉज कॉम्बिनेशन डेट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. पैसों का तो नुकसान हुआ ही है, एंड इंटरेस्ट फैक्टर, रिलीजेस सब ऊपर नीचे हो गई है, और ऑलरेडी रिलीज पोजीशन इतनी टाइट रहती है क्योंकि साल में 52 या 53 फ्राइडेज ही होते हैं. फिल्में इतनी ज़्यादा बन रही हैं, उसमें से 2 या 3 या 4 फ्राइडेज चले जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम होने वाला है. तो हर एंगल से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन ये कोई हेल्प नहीं कर सकता है. हेल्थ ऑब्वियसली, सेफ्टी ऑब्वियसली लोगों की पहले कोई भी गवर्नमेंट देखेगी, कोई भी इंडस्ट्री देखेगी, तो उस हिसाब से तो जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है. जैसा कि सर 31 मार्च तक सब कुछ बंद करने को कहा गया, आपके अनुसार इंडस्ट्री में तकरीबन कितना लॉस होने वाला है, क्योंकि फिल्म की सारी शूटिंग डिले है, हम देख रहे हैं कि डेट को भी पोस्टपोन किया गया 31. मेरे ख्याल से अगर हम शूटिंग्स रुकने की वजह से एंड बॉक्स ऑफिस पर जो नुकसान हो रहा है वो सब कैलकुलेट करें तो 750-800 करोड़ का नुकसान है, जिसमें से हो सकता है 200-250 करोड़ वापस आएगा जब भी फिल्में रिलीज होगी, क्योंकि सूर्यवंशी जब रिलीज होगी या 83 जब रिलीज होगी, ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस खत्म हो गया, वो डिले हो गया है, तो वो करीब 250 करोड़ आ सकते हैं वापस. लेकिन 450-500 करोड़ का नुकसान तो डेड लॉस है, क्योंकि ये जो टाइम जा रहा है और गया वो वापस नहीं आने वाला है. तो ये 15 दिन 17 दिन जो क्लोजर है वो तो कभी वापस आ ही नहीं सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन. एक सर आखिरी सवाल, जैसा कि आपने ये बताया कि जो डेट पोस्टपोन की गई है, आगे आने वाले दिन में बहुत प्रॉब्लम हो रही, आपके अनुसार जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले आने वाले हैं जो फिल्में अब अपनी लाएंगे, क्योंकि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बहुत होता है, तो कैसे फिल्मों को रिलीज, अगर जैसे कि वो ही सोच के कांप जाए कोई इंसान, बिकॉज अब वैसे ही जैसे ईद पर 2 बड़ी फिल्में आने वाली थी, राधे और लक्ष्मी बॉम्ब, जो कि अच्छा सिचुएशन नहीं है. हर बड़ी फिल्म को 1 वीक कम से कम एटलीस्ट चाहिए, जो मिलना चाहिए उसको. ऑलरेडी इस नॉर्मल सिचुएशन में कुछ हफ्तों में हम देख रहे हैं कि 2-2 बड़ी फिल्में आ रही, अब 3-4 हफ्ते अगर गायब हो जाते हैं तो क्या होगा, ये सोच के भी दिमाग खराब हो जाता है और टेंशन बहुत होने वाला है. मेरे हिसाब से जब भी इंडस्ट्री तैयार होती है वापस ट्रैक पर आने के लिए, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी जहां पर टॉप मेकर्स को साथ में बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कम से कम नुकसान किसका, कम से कम नुकसान कैसे हो. एंड यहाँ पर ईगोस को आपको भूल जाना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनल गेन्स और पर्सनल बेनिफिट्स को त्यागना पड़ेगा, आपको टोटैलिटी में बड़े लेवल पर बड़ी पिक्चर देखनी पड़ेगी कि इंडस्ट्री का कम से कम नुकसान कैसे हो. और जब तक ये नहीं होता है केओस होगा, बहुत बहुत बुरी तरीके से केओस होगा. तो मुझे लगता है कि इंडस्ट्री को मिल बैठ कर डिसीशंस लेने पड़ेंगे. चलिए, हमसे बात करने के लिए थैंक यू.